हेलो, पिछली वीडियो में हमने स्लाइड शो टैब के सेटअप ग्रुप में सेटअप स्लाइड शो कमांड और हाइड कमांड के बारे में जाना। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके ये वीडियो देख सकते हैं। आज हम इस वीडियो में रिहर्स टाइमिंग, रिकॉर्ड स्लाइड शो कमांड और मॉनिटर्स ग्रुप के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर रिहर्स टाइमिंग के बारे में जानेंगे। रिहर्स टाइमिंग का मतलब ये होता है कि हम अपने हिसाब से स्लाइडों में टाइम को सेट कर सकते हैं। तो हमें कितना टाइम फर्स्ट स्लाइड के लिए चाहिए, कितना टाइम सेकंड स्लाइड के लिए चाहिए, कितना टाइम हमें थर्ड स्लाइड के लिए चाहिए, तो रिहर्स टाइमिंग के ज़रिए हम अपने हिसाब से यहाँ पर टाइमिंग सेट कर सकते हैं। तो इसके लिए हम यहाँ पर रिहर्स टाइमिंग के ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये देखो, ये टाइम चला हुआ है, ये टोटल टाइम ये बता रहा है। तो फर्स्ट स्लाइड के लिए कितना टाइम चाहिए, जैसे यहाँ पे 9 सेकंड्स या 10 सेकंड्स चाहिए, 11 सेकंड्स। इसके बाद नेक्स्ट किया, नेक्स्ट के लिए यहाँ पे टाइम चला हुआ है, कितने सेकंड चाहिए, जैसे यहाँ पे 4 सेकंड चाहिए। अगली स्लाइड के लिए कितने चाहिए, यहाँ पे जैसे 5 सेकंड चाहिए, इसके लिए भी ये 5 रखा। अगली के लिए कितना चाहिए, जैसे 3, तो ये 3। इसके लिए आगे कितना चाहिए, ये देखो टाइमिंग चला हुआ है, तो इसके लिए 7 सेकंड्स चाहिए, ये 7। तो ये सारा हम यहाँ पे टाइम सेट कर सकते हैं स्लाइडों के लिए। और ये जो जितना टोटल यहाँ पे टाइम हुआ, ये देखो द टोटल टाइम फॉर योर स्लाइड शो वाज, ये आपका 37 सेकंड्स। डू यू वॉन्ट टू सेव द न्यू स्लाइड टाइमिंग, अगर इसको आप सेव करना चाहते हो कि नहीं, यस पे क्लिक करेंगे। तो यस पे क्लिक करने के बाद ये जितना टाइम हमने यहाँ पे सेट किया, उतना टाइम यहाँ पे स्लाइडों के लिए आ गया है। तो इसको जब हम स्लाइड शो करेंगे तो जितना जितना टाइम हमने यहाँ पे सेट किया हुआ है, उतने टाइम के बाद अगली स्लाइड आएगी। ये देखो स्लाइड शो किया, स्लाइड शो करने के बाद यहाँ पे जितना टाइम हमने सेट किया हुआ है, उतने टाइम के बाद अगली स्लाइड आएगी। ये देखो जितना टाइम हमने सेट किया हुआ है, वो टाइम पूरा करने के बाद अगली स्लाइड यहाँ पे आएगी। ये देखो अगली स्लाइड आई, इसके बाद अगली स्लाइड चाहिए, कितना टाइम सेट किया हुआ है इसके लिए, ये अगली आ गई। तो इसके लिए हमने जो टाइम सेट किया हुआ, उसके बाद अगली आएगी। तो ये देखो अगली आ गई, इसके बाद जितना टाइम इसके लिए सेट किया हुआ है, इसके बाद ये अगली आ गई। तो इस प्रकार ये टाइम जितना हमने सेट किया हुआ है, उतना टाइम यहाँ पर आएगा। और ये हमारी रिहर्स टाइमिंग, यहाँ पे हम अपने हिसाब से टाइम सेट कर सकते हैं। अगर हम ये टाइम देखना चाहते हैं तो देखने के लिए हम यहाँ पे व्यू पे जाने के बाद ये स्लाइड सॉर्टर यहाँ पे जाएंगे। ये देखो स्लाइड सॉर्टर, तो ये देखो यहाँ पे टाइम आ गया 13 सेकंड्स यहाँ पे सेट किए थे। दूसरी स्लाइड के लिए कितना टाइम सेट किया था, ये 5 सेकंड्स। ये तीसरी के लिए 6 सेकंड्स। ये चौथी स्लाइड के लिए 4 सेकंड्स। और ये हमारी पांचवी स्लाइड है, इसके लिए 9 सेकंड्स यहाँ पे सेट किए थे। तो इस प्रकार हम यहाँ पे टाइमिंग वगैरह यहाँ पे लगा सकते हैं। तो ये हम यहाँ से स्लाइड सॉर्टर के ज़रिए यहाँ पे देख सकते हैं कि कितना कितना टाइम हमने किस स्लाइड के लिए सेट किया हुआ है। फिर हम यहाँ पे नॉर्मल पे क्लिक करेंगे तो ये नॉर्मल यहाँ पर आ जाएगा। रिहर्स टाइमिंग में जो हमने स्लाइडों का टाइम सेट किया हुआ है, अगर हम उसको चेंज करना चाहते हैं तो हम ये चेंज भी कर सकते हैं। तो इसके लिए यहाँ पे स्लाइड सॉर्टर पे जाएंगे। ये देखो पहली स्लाइड के लिए हमने ये सेट किया हुआ है टाइम, दूसरी के लिए ये है। अगर हम इसको चेंज करना चाहते हैं, जैसे ये फर्स्ट स्लाइड का हमने चेंज करना है, तो हम यहाँ पर ट्रांजेक्शन टैब के ऊपर जाएंगे और यहाँ पर हम टाइम चेंज करेंगे। जैसे यहाँ पर हम 13 सेकेंड्स है, तो यहाँ पर रखेंगे 1 सेकेंड्स यहाँ पे रखा, तो ये देखो ये 1 यहाँ पे आ जाएगा। अब सेकंड है, सेकंड के लिए 5 सेकेंड्स है, तो यहाँ पे हम यहाँ पे करेंगे इसके लिए 3 सेकेंड्स यहाँ पे लिखा, ये आ जाएगा। ये देखो यहाँ पे ये चेंज हो गया। तो इस प्रकार हम यहाँ पे टाइम चेंज भी कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे स्लाइड शो पे आएंगे। इसके बाद हमारे पास अगली जो कमांड है हमारी, वो है रिकॉर्ड स्लाइड शो। रिकॉर्ड स्लाइड शो का मतलब ये होता है कि ये जितना भी हम काम करेंगे स्लाइड में,
ये सारा रिकॉर्ड होता जाएगा, चाहे वो ऑडियो का काम है वो भी यहाँ पे रिकॉर्ड होता जाएगा। तो हम यहाँ पे रिकॉर्ड स्लाइड शो पे क्लिक करेंगे, इसमें हमारे पास ये ऑप्शन आ जाएंगे, जैसे फर्स्ट है रिकॉर्ड फ्रॉम करंट स्लाइड, करंट स्लाइड से रिकॉर्ड करना है। जैसे करंट स्लाइड कौन सी है हमारी, यहाँ पे ये दूसरी स्लाइड हमारी करंट स्लाइड है, क्योंकि यहाँ पे हमने क्लिक किया हुआ है, तो ये करंट स्लाइड है, यहाँ से रिकॉर्डिंग स्टार्ट होगी। या ये सेकंड ऑप्शन है हमारा रिकॉर्ड फ्रॉम बिगनिंग, इसका मतलब ये है कि शुरू से रिकॉर्डिंग हो, जैसे ये हमारी फर्स्ट स्लाइड है, यहाँ से रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो। तो हम क्या करेंगे, रिकॉर्ड फ्रॉम बिगनिंग इसको लेंगे, तो ये रिकॉर्डिंग जो है स्टार्टिंग से चलेगी। तो इसके बाद रिकॉर्ड स्लाइड शो पे, यहाँ पे ये हमारा यहाँ पे फर्स्ट पे, इन दोनों पे चेक करके रखना है, क्योंकि हमें ये भी चाहिए स्लाइड एंड एनिमेशन टाइमिंग, ये भी चाहिए। इसके बाद सेकंड नरेशंस इंक एंड लेजर पॉइंटर, ये भी चाहिए। तो स्टार्ट रिकॉर्डिंग इसको चेक करके रखना है, और यहाँ पे स्टार्ट रिकॉर्डिंग यहाँ पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे रिकॉर्डिंग करने के लिए आ जाएगा, तो माउस का राइट क्लिक करेंगे, इसके बाद यहाँ पे पॉइंटर ऑप्शन पे जाएंगे, और यहाँ पे पेन पे क्लिक करेंगे, ये देखो जो भी है ये यहाँ पे आ जाएगा। ये देखो जैसे हम यहाँ पे रिकॉर्ड कर रहे हैं, ये हमने लाइनें यहाँ पे लगाई तो ये रिकॉर्ड हो रहा है। इसके बाद ये कितने सेकंड चाहिए, इसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करने के लिए यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये अगली आ जाएगी। इसके लिए दूसरी स्लाइड में हमने ये क्रिएट किया, इसके लिए ये इतनी सेकंड चाहिए, इसके लिए अगली आ जाएगी। इसके लिए क्या चाहिए, जैसे हम यहाँ पे लाइनें लगाते हैं, ये लाइनें लगाई, ये इतने सेकंड चाहिए, इसके लिए अगली आ जाएगी। इसके लिए हम यहाँ पे क्या कुछ भी यहाँ पे क्रिएट करेंगे, जैसे ये क्रिएट कर दिया, ये रिकॉर्डिंग आ रही है, इसके लिए अगली स्लाइड, इसके लिए भी कुछ चाहिए, जैसे यहाँ पे हमने साइड में कुछ बनाया। तो ये जितने भी आ रही हैं ये सारी के लिए हमने यहाँ पे रिकॉर्डिंग कर ली। तो जितनी भी रिकॉर्डिंग हमने की, ये सारी रिकॉर्डिंग सभी स्लाइडों में आ गई है, कि क्या क्या कौन कौन सा काम हमने स्लाइडों में किया हुआ है। इसके साथ जो हमने स्लाइडों में बोला हुआ है वो साथ में साउंड भी चलेगी। जैसे यहाँ पे फर्स्ट पे क्लिक किया, फर्स्ट पे क्लिक करने के बाद हमने फर्स्ट स्लाइड पे क्या रिकॉर्ड किया वो साउंड भी चलेगी, और कौन सा काम किया वो काम भी चलेगा। तो ये देखो अब क्या करेंगे, हम कीबोर्ड से F5 की प्रेस करेंगे स्लाइड शो के लिए, तो जो रिकॉर्ड किया हुआ है वो यहाँ पे चलेगा। ये देखो यहाँ पे क्लिक किया, F5 पे क्लिक करना है, अब यहाँ पे रिकॉर्डिंग करने के लिए आ जाएगा। तो माउस का पे क्लिक करेंगे, ये देखो जो भी है ये यहाँ पे आ जाएगा। ये देखो जैसे हम यहाँ पे रिकॉर्ड कर रहे हैं, ये हमने लाइनें यहाँ पे लगाई तो ये रिकॉर्ड हो रहा है। इसके बाद ये कितने सेकंड चाहिए, इसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करने के लिए यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये अगली आ जाएगी। इसके लिए दूसरी स्लाइड ये अगली आ गई, क्रिएट किया, तो ये अगला जो भी हमने काम किया हुआ है साउंड भी चल रही है, ये अगली आ जाएगी, और साथ में काम भी चल रहा है, जो जो काम हमने हम यहाँ पे लाइनें लगाते हैं, ये लाइनें लगाई, ये इतने सेकंड चाहिए, ये हमारी, इसके लिए अगली आ जाएगी। इसके बाद इसके लिए हम यहाँ पे क्या कुछ भी यहाँ पे क्रिएट करेंगे, जैसे काम हमने इसमें किया हुआ है, ये रिकॉर्डिंग आ रही है। इसके बाद ये लास्ट स्लाइड है हमारी, चाहिए जैसे यहाँ पे काम हमने इसमें किया हुआ है, कुछ बनाया, तो ये जितने भी ये आ रही हैं ये, तो ये काम हमने यहाँ पे किया था। तो इस प्रकार हम यहाँ पे रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे जाएंगे, अगर हम ये क्लियर करना चाहते हैं, ये देखो अगला जो ऑप्शन है हमारे पास क्लियर, तो क्लियर पे क्लिक करने के बाद आगे बहुत से ऑप्शन खुल जाएंगे। क्लियर टाइमिंग ऑन करंट स्लाइड, करंट स्लाइड की टाइमिंग हम क्लियर करना चाहते हैं, तो इसके लिए पहले क्या करेंगे, हम ये स्लाइड सॉल्टर यहाँ पे स्टेटस बार पे जाएंगे, स्लाइड सॉल्टर यहाँ पे क्लिक करेंगे, तो ये जो फर्स्ट स्लाइड है इसका टाइमिंग हमने क्लियर करना है। तो इसके लिए रिकॉर्ड स्लाइड शो पे क्लिक करेंगे, मोर बटन पे, यहाँ पे क्लियर पे क्लिक करेंगे। अब क्या है, हमारा यहाँ पे फर्स्ट स्लाइड पे क्लिक है, यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये फर्स्ट स्लाइड का हमने क्या करना है, टाइमिंग क्लियर करना है। तो यहाँ पे रिकॉर्ड स्लाइड शो के मोर बटन पे जाएंगे, क्लियर पे जाएंगे, क्लियर टाइमिंग ऑन करंट स्लाइड, तो करंट स्लाइड कौन सी है हमारी, ये फर्स्ट वाली, तो इसका क्लियर करना है, तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। ये देखो क्लिक किया तो यहाँ से क्या हुआ, ये जो टाइमिंग है यहाँ से क्लियर हो गया। अब सेकेंड है, इसका भी क्लियर करना है, तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे क्लिक करने के बाद क्लियर पे क्लिक करेंगे,
क्लियर पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे क्लियर टाइमिंग ऑन करंट स्लाइड, इसका भी क्लियर हो गया। इसके बाद अगर हमें ये सभी स्लाइडों का टाइमिंग जो है यहाँ से क्लियर करना है, जैसे ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ है, ये हमारी स्लाइड है, इन सभी का हमने एक साथ क्लियर करना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे रिकॉर्ड स्लाइड शो पे जाएंगे और यहाँ पे क्लियर पे जाएंगे और क्लियर टाइमिंग ऑन ऑल स्लाइड्स यहाँ पे क्लिक करेंगे, तो सभी का टाइमिंग यहाँ से क्लियर हो जाएगा। ये देखो यहाँ से सभी का टाइमिंग यहाँ से क्लियर हो गया। अब इसके बाद है मोर बटन पे जाएंगे, रिकॉर्ड स्लाइड शो के यहाँ पे क्लियर पे जाएंगे। अब है क्लियर नरेशन ऑन करंट स्लाइड, इसका मतलब क्या है, जिस स्लाइड के ऊपर हमने क्लिक किया हुआ उसकी जो नरेशन है, नरेशन का मतलब जैसे ये काम किया हुआ, ये हमारी फर्स्ट स्लाइड है, यहाँ पे हमने लाइनें लगाई हुई हैं, ये क्लियर करनी है, तो कैसे ये हमने करना है काम, तो इसके लिए क्लियर यहाँ पे जाएंगे, जैसे क्लियर नरेशंस ऑन करंट स्लाइड, करंट स्लाइड में जो नरेशन हमने की हुई है वो क्लियर करनी है, तो इसके ऊपर क्लिक करना है। तो ये देखो यहाँ से जितना भी काम किया था वो क्लियर हो जाएगा और साथ में जो साउंड थी वो भी चली जाएगी, क्योंकि करंट स्लाइड की नरेशन हमने क्लियर कर दी है। तो ये हमारा जितना काम किया था फर्स्ट स्लाइड में वो भी चला जाएगा और साथ में जो भी साउंड यहाँ पे लगाई थी वो भी चली जाएगी। इसके बाद सेकंड का भी हमने ये क्लियर करना है, तो यहाँ पे क्लियर नरेशन ऑन करंट स्लाइड, ये देखो सेकंड का भी यहाँ पे जो काम किया था वो भी चला जाएगा और यहाँ से साउंड भी चली जाएगी। अगर सभी में जो जो काम किया हुआ वो क्लियर हो जाए, जैसे इसमें ये लाइनें लगाई हुई हैं, इसमें ये बनाया हुआ है, इसमें ये सर्कल बनाया हुआ है, ये सारा क्लियर करना है साथ में साउंड भी, तो हम क्या करेंगे, रिकॉर्ड स्लाइड शो पे जाएंगे और यहाँ पे क्लियर पे जाएंगे और क्लियर नरेशंस ऑन ऑल स्लाइड्स यहाँ पे क्लिक करेंगे। ये देखो जो जो काम हमने इन स्लाइडों में किया था वो सारा यहाँ से क्लियर हो जाएगा। तो इस प्रकार हम यहाँ से जो भी हमने यहाँ पे नरेशन सेट की थी वो सारी यहाँ से क्लियर का हम यहाँ से कर सकते हैं। तो ये हमारा रिकॉर्ड स्लाइड शो हो गया। इसके बाद ये हमारे ऑप्शन है, इनको हम चेक करके रखेंगे, क्योंकि हमें प्ले नरेशन भी चाहिए, यूज़ टाइमिंग भी चाहिए या शो मीडिया कंट्रोल ये भी चाहिए, तो हम इनको चेक करके रखेंगे, अगर नहीं चाहिए तो हम इनको अनचेक कर देंगे। तो ये इसमें हो गए। इसके बाद हमारे पास मॉनिटर्स का है, तो वाई डिफ़ॉल्ट ये आ जाता है, जो भी मॉनिटर यहाँ पे सेट किया होता है वाई डिफ़ॉल्ट यहाँ पे आ जाता है, तो हम यहाँ पे अगर इसको चेंज करना है तो कर भी सकते हैं ऑटोमेटिक, या प्राइमरी मॉनिटर इसी को रहने देते हैं ये। तो इस वीडियो में हमने स्लाइड शो के बारे में जाना। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। धन्यवाद।